गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और जब गुरु, ये ऋग्वेद का दूसरा श्लोक कहता है, जब गुरु से बढ़कर कुछ नहीं, तो पहली अरदास में गुरुदेव के चरणों से लगा रहा हूं। बिल्कुल, क्योंकि गुरु से बढ़कर कुछ नहीं, और देखा जाए तो माँ ही प्रथम गुरु। तो सुनिएगा कहना क्या है। बिल्कुल, कि बंधन में विकल्प देना। भैया
विघ्न विनाशक विस्मृत वाणी का विकल्प देना, बिंदु बिंदु विकराल व्यथा का परिकल्प देना। तो कहना बाबा गजानन विरत व्याख्यान से वाद विरल न हो, और विघ्न हलता विशेष विद्र अवतरण न हो। अरे बाबा गणेश, आज की रात्रि हम कलाकारों के इस कार्यक्रम में किसी प्रकार का कोई बाधा का माहौल न बने, इसलिए कहना सेंदन मन का, सेंदन यानी घोड़ा, सेंदन मन का चंदन कर दो, सेंदन मन का चंदन कर दो, रखना निस्पल हेलो भैया जी, इसकी आवाज कम हो गई। हेलो जी, हेलो। तो माँ के विषय में तो कहा गया, माँ तो ममता की खान होती है, माँ की महिमा महान होती है। अरे माँ की तुलना क्या करूं मैं हीरे सोने मोती जवाहरात से, क्योंकि माँ तो बच्चों की जान होती है। कहना पड़ा कि आए माता सरस्वती, आप चाहे माँ सरस्वती के रूप में हो, चाहे हमारी जगत जननी माँ के रूप में हो, बिल्कुल आपके लिए कहना क्या क्या, क्योंकि अगर आपका वरद हस्त हम बच्चों पर ना हो तो बच्चे एक कदम नहीं चल सकते, बिल्कुल। तो कहना पड़ा क्या, क्या? शास्त्र शास्त्र शास्त्रोक्त सार दे सार सार भर दो, माँ शास्त्र शास्त्र शास्त्रोक्त सार दे सार सार भर दो, और ये स्वर सरगम शास्त्रीय विधा भर चमत्कार कर। अरे माँ शांत चित्त सारी, माता शारदे शांत चित्त सायरी हो ये मन कामना, और शेष समझो स्वयं स्वामिनी भावना। नंदन भी ध्याते नंदन ध्याते करना अरि मर्दन, तो बंदन में करता हूँ पद सारा दिल तेरी।
मुझको बुलाया, मैं दौड़ा चला आया, मैं भागा चला आया हूँ। तूने प्यार की, तूने प्यार की अरबीन बजाई, मैं दौड़ी चली आई। अब देखिए बात उस समय की, जिस समय भगवान श्री राम राह देख रहे हैं कि कब माता सीता की खबर लेकर कोई वापस आए, कब आए। आखिर अरे भैया आरके जी, आपके कर कमलों से ये 51 प्रपत मुद्राएं मुझे और 51 प्रपत मुद्राएं हमारे साथ लाल पर संगत कर रहे हैं छोटे भाई हर्षित के लिए, और मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। बिल्कुल 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 भैया, सिटी का ध्यान दीजिए। अरे भैया संजय यादव जी, ये 10 प्रपत मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद है, हृदय से साधुवाद। जब सोचा कोई संदेशा लेकर आ नहीं रहा है, तब तक देखा क्या बाबा बजरंगबली आ गए। सारा हाल सुनाया, हाल सुनाने के बाद भगवान श्री राम ने कहा जाओ जाओ, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, बिल्कुल तुम आराम से जाओ। हनुमान जी ने कहा क्या इसको रोके भाई, डिस्टर्ब हो रहा है। हेलो जी, हेलो हेलो जी, हेलो। भगवान राम ने कहा अरे हनुमान जी, जितना मैं तुमसे कहता हूं जितनी आज्ञा दी जाती है उतना काम क्यों नहीं करते हो। बाबा बजरंगबली विस्मित हो गए, उन्होंने कहा प्रभु प्रभु मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो बाबा भगवान श्री राम ने कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि जाकर माता सीता का पता लगाकर वापस आना, लेकिन आपने और इन वानरों से खबर मिल रही है कि आपने उसकी अशोक वाटिका उजाड़ दी, उसकी लंका में आग लगा दी, वहां के लोगों को मारा कूटा। ये तो गलत बात है, बिल्कुल मैंने तो ये नहीं कहा था। तो देखिए ग्यारह मार्ग गंडम कहा गया बाबा बजरंगबली को, अब वो अपनी सफाई पेश कर रहे हैं भगवान श्री राम से और कह रहे प्रभु मेरी गलती नहीं है। बिल्कुल अगर आप कह रहे हैं कि मैंने अशोक वाटिका के पेड़ उजाड़ दिए, तो सुनिए मैं गवाही के समेत आपको बता रहा हूं कि मेरी गलती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल गलती है ही नहीं, नहीं है। अब देखिए बाबा बजरंगबली ने कहा कि प्रभु अरे माना मैंने बागे उजाड़ा, Thank you.
उजाड़ दिया, लेकिन मेरा दोष नहीं है इसमें। क्यों? क्यों? माना मैंने बागे उजाड़ा, मगर ना इसमें है दोष हमारा। अब नहीं रहना है लंका में, पेड़ों ने था पुकारा। अरे प्रभु, मैं जब अशोक वाटिका पहुंचा फल खाने, तो जिन्होंने मुझ पर हमला किया मैंने उन पर हमला किया, लेकिन उस बहाने एक पेड़ उखड़ा। उस पेड़ ने तुरंत हाथ जोड़े और कहा, प्रभु प्रभु, मैं इस पाप की नगरी में जहां का राजा इतना पापी हो, आपके हाथ लगे तो मैं पवित्र हो गया। अब हम सभी चाहते हैं कि आप हमको मुक्त कर दीजिए। आप मुक्त कर दीजिए, क्योंकि आपके हाथों मृत्यु को प्राप्त हो गए तो सीधे परमधाम चले जाएंगे। तो प्रभु, और माना मैंने तागे उजाड़ा, इसमें है दोष हमारा। अब नहीं रहना है लंका में, ये पेड़ों ने था पुकारा। तो भगवान राम ने कहा, ये मैं मानू कैसे? कैसे कैसे मानू? बाबा बजरंग बली ने कहा, इसका गवाही मैं दे रहा हूं, साक्षी इसमें है जनक दुलारी। इसकी साक्षी यानी गवाही माता सीता स्वयं है। बिल्कुल बिल्कुल, साक्षी इसी की है जनक दुलारी। तो प्रभु, हाँ, कहां गलती है हमारी, कहां गलती है हमारी, हो कहां गलती है हमारी, कहां गलती है हमारी। जब इतनी बात सुनी तो भगवान श्री राम ने कहा, अच्छा अच्छा, दिमाग लगा रहे हो? अब ये बताओ, अगर तुम्हारी ये गलती नहीं थी तो दूसरा काम जो तुमने किया तो वो तो निहायत गलत है। बिल्कुल, आपने किया क्या? सब हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। खाना राम ने कहा, अरे किसी के घर को जला देना, हाँ, ये कहाँ का धर्म है? ये कहाँ का धर्म है? बाबा बजरंग बली ने कहा, प्रभु प्रभु, मुस्कुराने लगे और कहा, देखिए ये मैं सफाई दे रहा हूँ अपनी, बिल्कुल इसका मैं गवाही भी दे रहा हूँ, इसका भी गवाही। प्रभु, जो लंका जली, हाँ, उसका कारण क्या था सुनिए। अरे करना चाहे आगे चाहता था, बिल्कुल दिल उसका, कपड़ा उसका, निशाचर उसके, माचिस उसकी, जिससे आग लगा रखा। करना चाहे अंग भंग मेरा दशानन, ने अग्नि लगवा।
गई आग, किया क्या मैंने केवल पूछ की आग बुझाई। अरे जिसकी पूछ में आग लगी होगी वो अपनी आग तो बुझाएगा ही, बिल्कुल बुझाएगा। मैंने उसको इधर उधर घिसना चालू किया लेकिन इतने में हुआ क्या, क्या? जितने छप्पर से सब जल गए। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये दादा श्री राम नरेश यादव जी, ये 51 प्रथम मुद्राएं सुबह आशीर्वाद हंसखेड़ा से, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुने कहने लगे, अगर तुम कह रहे हो कि पूंछ बुझाने में आग लग गई तो इसका इसका गवाही कौन है, इसका इसका गवाही कौन है? तो बाबा बजरंगबली ने कहा, प्रभु मैं आपका सेवक हूं, अब लीजिए गवाही। अरे लग गई आग, पाया क्या मैंने, पूंछ की आग बुझाई। अब पहले गवाही तो सुनिए, साची इसमें है, कहती है जिस समय आग लगाएगी तो 49 पवन चलने लगे, 49 पवन चलने लगे। साची किसी के है ये पवन करारी, साची किसी के है ये पवन करारी, तो कहां गलती है हमारी, कहां गलती है हमारी। ये तो कोई गलती मान ही नहीं रहे तो भगवान राम ने एक बात कह दी, उन्होंने कहा कि हमें सुने मिला है, सुनने में आया है कि जब तुम वहां से चले तो इतनी जोर से गर्जना की कि वहां जो लंका की महिलाएं थी उनके गर्भ गिर गए। अच्छा ये हुआ। अब हनुमान जी धर्म संकट में, भगवान राम ने कहा जिनका जन्म नहीं हुआ उनको तुमने जन्म से पहले मार दिया, ये गलत किया, ये तो गलती है तुम्हारी। हनुमान ने कहा ना, ना प्रभु सुनिए, अगर ये हनुमान का तर्क आप लोगों के समझ में आ जाए तो आशीर्वाद चाहता हूं। बिल्कुल। हनुमान जी ने कहा प्रभु सुनिए, अरे खाली हो निशाचर से धरती, स्वयं का है निश्चर हीन करो मैं भुज उठाई प्रण की। प्रभु प्रभु तो सुनिए, खाली हो निशाचर से धरती, ये प्रण कर खुद ही आप बताते। प्रभु मैंने सोचा कि मेरे भगवान श्री राम जिनके कुल में प्राण जाए पर बचन न जाई, जो प्रतिज्ञा की है कि भुज उठाए प्रणकीन, इस धराधाम से
असुरों का विनाश कर देंगे, सफाया कर देंगे। अरे कहीं वो कसम अधूरी न रह जाए। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने किया क्या? क्या क्या किया? खाली हो निशाचल से धरती ये पेड़ कल खुद है आप बताते प्रभु माना कुल छस मर जाते और जन्म ले आते। क्या बात है। अरे प्रभु आप कुल राक्षस मार देते बिल्कुल, लेकिन जो गर्भ में थे वो जन्म लेकर आ जाते। अब ऐसा तो था नहीं, आप जब राक्षसों को मार देते तो राक्षसों के घर से कोई देवता पैदा हो जाता। माना कुल राक्षस मर जाते और जन्म ले आते। इसलिए मैंने किया क्या? क्या किया? मैंने इसलिए ऐसा काम किया। तो भगवान श्री राम ने कहा इसका भी कोई प्रमाण? तो बाबा हनुमान ने कहा अरे साथी किसी के है नहीं कहा है भूज उठाए प्रगी सच इसी के हो स्वयं धनुधारी कहां गलती है हमारी कहां गलती है हमारी। बहुत ही अमूल्य पुरस्कार कालू खेड़ा के धरती से चलकर आए हमारे परम आदरणीय दादा श्री बीनू वाजपेयी जी। आप हम लोगों के आदर्श हैं। आपके कर कमलों से ये 201 प्रपत्र मुद्राएं प्रदान हुई हैं और मैं चाहता हूं मेरी ओर से आप लोग जोरदार तालियां एक बार दादा के लिए बजा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप कालू खेड़ा में कालू खेड़ा क्या, मैं तो जहां तक मुझे पता है कि हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मंच है आपका कालू खेड़ा, जहां पर 3 दिन अनवरत जवाबी कीर्तन होता है। बिल्कुल। सुने साची इसी के है स्वयं धनुधारी कहां गलती है हमारी कहां गलती है हमारी। बाबा बजरंगबली निकल गए, एक गलती और निकाली भगवान श्री राम ने। बोले सब ठीक, लेकिन जब तुम पता लगाकर वापस आए तो मैंने सबसे कहा था कि फलों का भोजन कर लो, लेकिन हमें पता चला तुमने उन फलों का भोजन नहीं किया। ये किया, ये आपकी गलती, क्योंकि आपने स्वामी का आदेश नहीं माना। तो बाबा बजरंगबली रोने लगे और कहा नदी रुक सकती नहीं पहाड़ चल सकता नहीं। अरे दुनिया बदल सकती है लेकिन भक्त बदल सकता नहीं। प्रभु गलती यहां भी मेरी नहीं है, बिल्कुल सिर्फ आप सोच कर देखिए। कहने लगे क्या? क्या फल मधु पर के लखाए खाए रागिया मिथ्या तो लगाए। प्रभु निराहार व्रत रख रघुवर तक। अगर आपने कोई कसम खाई है तो मैंने भी कसम खाई थी, वहां जब पता लग गया तो मैंने भी कसम खाई थी कि मैं निराहार व्रत रखकर जब तक भगवान
श्री राम को माता का पता नहीं बता दूंगा तब तक कुछ नहीं खाऊंगा। अरे निराहार व्रत रख रघुबर तक सियाहाले पहुंचाए। तो बोले इसमें इसमें भी कोई गवाही? तो बजरंग बली ने कहा साची किस उबे है ये पंचारी। ये मेरे जो साथी लोग हैं इनके सामने ये शपथ ली थी मैंने, साची इसके है ये पंचारी। आइए ये प्रथम चक्र था। सतीश भैया गजल में बंदिशे अल्फाज ही नहीं काफी। गजल में बंदिशे अल्फाज ही नहीं काफी, कुछ खूने जिगर भी चाहिए असर के लिए। तो गीत बजा कैसे? अरे कि तूने प्यार से जहां पर तीन दिवसीय कीर्तन जवाबी का कार्यक्रम होता है और एक दिन जागरण का भी कार्यक्रम होता है, बहुत ही भव्य कार्यक्रम होता है। सम्मानित परम आदरणीय बड़े भैया श्री धीनू वाजपेयी, ये 201 पत्र मुद्राओं के साथ सादर चरण वंदन है, आशीर्वाद की कामना अर्जित कर रहा है और जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे आप सभी लोग, हृदय से प्रणाम है। चूंकि प्रदेश सचिव एजेंसी दल एवं संगीत में कथावाचक आदरणीय व्यास जी, परम आदरणीय सम्मानित पंडित शैलेंद्र मृदुल जी महाराज,
आपकी तरफ से ये 101 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद भेंट हुआ है। सादर प्रणाम और महाराज जी के श्री चरणों में नमन कर रहा हूँ। आप अयोध्या धाम से पधारे हैं, महाराज जी के चरणों में नमन है और सुनेगा सुनिए। कराना चाहूंगा क्योंकि अब जलाबी का दौर शुरू होता है। जय जय। और मैं कमेटी की तरफ से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। आप लोग उचित स्थान अपना ग्रहण कर रहे हैं। और ये 101 पत्र मुद्राओं का अमूल्य आशीर्वाद हमारे बड़े भैया जी की तरफ से भेंट हुआ है। जय हो। हृदय से प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना। निवेदन कर रहा हूं, जब थोड़ा हारमोनियम का माइक बढ़ा देना, सवाल आप सुनेंगे तो जवाब आपकी समझ में आएगा। और आदमी शर्मा जी दादा बड़े भैया सुनेगा प्रश्न आपका कह रहा है बाकी जी, क्या प्रश्न आपका कह रहा है कि प्रभु श्री राम ने कहा कि हनुमान जी महाराज आखिर मैंने आपको सिर्फ सीता जी की खोज लाने के लिए कहा था और आपने वृक्षों को उखाड़ दिया, लंका जला दी, तमाम सारी बातें आपने बताई, लेकिन आदमी छोटे भैया और देश जी सुनिए, एक बात आपने अपने गीत के माध्यम से पढ़ी है। क्या? और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी बात गलत है, लेकिन थोड़ा तर्क संगत हमको कम लगी। आपने पंक्ति पढ़ी, खाली हो निशाचर से धरती। आपका निवेदन कर रहा हूं, तर्क सुनेगा। खाली हो निशाचर से धरती, कह कर प्रण है आप बताते हो। प्रभु श्री राम ने कहा हनुमान जी महाराज आपकी दहाड़ से जो राक्षसियां थी लंका में उनके गर्भ गिर गए, आखिर ऐसा आपने क्यों किया? निवेदन कर रहा हूं, तमाम प्रबुद्ध समाज बैठा है, मैं एक बात आपसे सिर्फ पूछूंगा बस। आपका गीत बहुत ही सुंदर रहा, मैं टिप्पणी करूंगा। एक शंका मुझको हुई, आप लोग समाधान करिएगा। प्रभु ने कहा हनुमान जी आपने लंका में राक्षसियों के गर्भ गिरा दिए दहाड़ करके, तो हनुमान जी ने कहा प्रभु जिससे राक्षसों की उत्पत्ति ना हो, इनकी संख्या बढ़े ना, इसलिए मैंने खत्म कर दिया। मैं एक बात पूछ रहा हूं, आप ये बताइए, देखिए शिशु जो होता है वो शिशु होता है, अब वो चाहे राक्षस का हो चाहे देवता का। निवेदन कर रहा हूं, अब वो भी गर्भ में, अगर आपसे कह दिया जाए कि राक्षसनी है इसका गर्भ है, आप इसके गर्भ को मार दीजिए, तो किसकी किसकी हिम्मत है? कोई मानेगा? ये थोड़ी सी बात मुझको घटकी, बाकी बहुत सुंदर सा गीत रहा आपका। पापी के राज में रहना नहीं चाहता, इसलिए मैंने उनका उद्धार कर दिया। साक्षी इसमें है पवन थरारी, तो साक्षी इसमें है पवन थरारी। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु कहां गलती है हमारी, कहां गलती है हमारी। जवाब की पंक्तियां सुनेगा, सुनिए। और निवेदन कर रहा हूं, संपूर्ण रात्रि में अगर हम दोनों कलाकार की कोई भी बात पसंद आए
चाहे जवाब की पंक्ति हो या फिर सवाल की, तो तालियों के साथ आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। बिल्कुल, क्योंकि ये सबसे बड़ी पैनिक होती है। हाँ हाँ, और खर्च तो देते ही रहेंगे, उसमें कहने की बात ही नहीं। तो आइए प्रभु श्री रामचंद्र जी, जब थोड़ा सा पहले लीजिएगा अवधेश भैया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब हनुमान जी महाराज को भेजा, जब सीता जी की खोज में निकले, तो सबसे उन्हें पहले एक स्त्री मिली। सभी लोग जानते हैं राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान। माता सुरसा मिली और हनुमान जी से कहा कि राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे सुरसा चली हर सी चलो हनुमान। तो निवेदन कर रहा हूँ हनुमान जी आप प्रभु से क्या राम काज सब करना है कपीवर सुरसा ने है बतलाया है। क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा की चौपाई कह रहे तुलसीदास महाराज कि राम काज सब करना है कपीवर सुरसा ने बतलाया। शोक शोक में सीता देख के मन अकुलाया। अरे सम्मानित संजय यादव भैया की तरफ से ये एक से एक पत्र मुद्राएं भैया को हृदय से प्रणाम है। क्योंकि नाम तो अशोक है जहां कोई शोक ना हो, लेकिन वहां माता शोक से तो सुनेगा सुने। नाम अशोक शोक में सीता अदेख के मन अकुलाया। साक्षी सीखी है का मैं झूठ नहीं कर रहा हूं प्रभु, साक्षी सीखी है साक्षी की है सुरसा महतारी। तो प्रभु आपने दिखाया चार जगह इसमें गलती क्या हमारी, और मैं उसी बात को बाबा तुलसीदास जी महाराज मानस से प्रमाणित कर रहा हूं। समझो तो साक्षी जुड़े सा इसमें महतारी, तो इसमें गलती क्या हमारी। क्योंकि पहले ही कह दिया गया था कि राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान, तो इसमें गलती क्या हमारी, इसमें गलती क्या हमारी। दूसरा दूसरा प्रयास सुनेगा, एक चौपाई मिलती है भैया अवधेश जी सुनेगा सुने। दूसरी स्त्री मिली जिसका नाम आप सभी लोग जानते हैं, बाबा तुलसीदास जी के मानस में नाम आया है लंकिनी। तो उसने कहा क्या कि बिकल हो जब कप के मारे, सुनेगा बिकल हो जब कप के मारे, कौन बिकल हो जब कप के मारे तब जाने सिल्ली सी चर संघारे। प्रयास कर रहा हूं देखिए समझो कि जिन मोह मारा तिन मैं मारे अतोस क्या इसमें हमारे। कहा प्रभु कि जिन मैं, अब देखिए गांधी जी की बात तो समझती नहीं, कहा जिन मोह मारा ते मैं मारे, जिन्होंने मुझको दंडित किया मैंने उनको दंडित किया। जिन मैं मारे तिन मैं मारा अदोष क्या इसी में हमारा।
पैसा ये कहावत नीति ये मैंने धारा। तो प्रभु मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी बात कह रही थी कि गर्भ गिरा दिया था हनुमान जी महाराज, लेकिन ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बाबा के तुलसीदास जी महाराज की चौपाई कह रही है क्या लंकिनी नाम की राक्षसी ने हनुमान जी से कहा क्या तो साक्षी इसी के, और मैं नहीं प्रभु तो साक्षी इसी के लेस कुमारी साक्षी इसकी लेस कुमारी तो इसमें गलती क्या हमारी इसमें गलती क्या हमारी और इन जवाब की पंक्तियों पर एक से एक पत्र मुद्राएं बड़े बिहार के टेलर जी, और आपने ये चिन्ह भी लगाया है कमेटी का, तो एक से एक पत्र मुद्राएं कहने की आवश्यकता नहीं है, भैया को हृदय से प्रणाम है। और अंतिम पंक्ति सुनेगा सुने सुने तीसरी चौपाई आती आदमी दादाजी, प्रभु ने कहा आपने लंका जलाने की बात प्रभु से तर्क दिलवाया हनुमान जी से, लेकिन मेरा तर्क सुनेगा सुने। और सम्मानी ये ओम प्रकाश मौर्य जी 21 पत्र मुद्राए आदरणीय सम्मानी दादा को हृदय से प्रणाम है। लंकिनी की बात मैंने आपसे कही, अब सुनेगा। जब हनुमान जी ने कहा प्रभु त्रिजटा ने एक सपना देखा था कि सपने वानर लंका जाई, हंसे ना रात बहुत बड़ी है सती भाई आज हंसो सपने बानर लंका जारी अजात उधान सेना सब मारी। अब प्रभु जब उसने ऐसा सपना देख लिया तो सच करना हमारा परम कर्तव्य बनता है, तो सुनेगा तो त्रिजटा का सपना हो और मैंने नहीं जलाई प्रभु, क्योंकि मेरे पूछ से आग लगी है तो इसमें मेरा दोष नहीं है ना। अशक्ति ने शक्ति दिखलाई, क्योंकि सभी जानते हैं कि भगवान हनुमान जी महाराज 11वें रुद्रावतारी भगवान भोलेनाथ के रूप में, और जब महामारी उनकी पूछ बन के आ गई, शक्ति ने शक्ति दिखलाई पूछ में मेरे समानी। प्रभु साक्षी इसकी है, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, साक्षी इसकी है सैन कुमारी हो। नोट कर लो बाद में गलत मत बताना। तो साक्षी इसकी है